हेलो फ्रेंड्स, रिया फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ड्रीम स्टिच सिलाई मशीन से बटन होल बनाना बताऊंगी। और अगर आपको उसा जेनोमी ड्रीम स्टिच से बटन लगाने का वीडियो देखना है, वो भी मैंने बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इसमें मैं आज आपको बटन होल बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए थ्रेड टेंशन डायल को आप 1 से 6 के बीच में रख सकते हो, कहीं पर भी। मैं 3 पर रख रही हूँ। पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम सबसे पहले 1 पर रखेंगे, इस तरह से। इसमें 1, 4 और 2 लिखा जो, और ये 3 लिखा, ये तीनों इसमें यूज होंगे। इसके लिए पहले हम नॉर्मल प्रेशर पुट को हटा देंगे, और ये बटन होल फुट है, ये देखिए, ये मशीन के साथ ही आया है। तो ये देखिए, आप इसको ऐसे रख के देख सकते हैं कि आपको किस साइज का होल बनाना है। ये देखिए, ये यहाँ पे दे रखा है, इसको आप या इससे भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये रेड कलर का मैच कराना है आपको, ये यहाँ पे रेड और यहाँ पे रेड बना हुआ, उसको मैच करा लीजिए कि आपको किस साइज का बटन होल बनाना। और आपको इसको इस तरह से खिसका करके लास्ट एंड पे रख देना, ताकि आपके उससे आगे वो बड़ा नहीं बनेगा, जैसे हमें यहाँ पे सेट करना है ऐसे। तो ये इस बटन की साइज का बटन होल बन जाएगा ऐसे। तो मैं आपको मशीन पे करके बता देती हूँ। ये देखिए, जैसे आपका बटन, देखिए इस साइज का हमारा बटन आ रहा है, तो हमने इसकी सेटिंग कर दी। ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी सेटिंग करनी है, ऐसे आपको इसको चलाना है। अंदर ये रेड जो लाइन दिखाई दे रही है अंदर की तरफ उसको, और ये जो बाहर ऊपर की तरफ रेड लाइन दे रखी, इन दोनों को मैच करा करके आप देख लें बटन को रख करके कि आपकी साइज क्या बनने वाली है बटन होल की। ये देखिए, हमें ये साइज बनानी है। एक तरीका ऐसे, जैसे आप बटन को रख लें और उधर के एंड और इधर एक तरफ इधर के एंड इनकी मार्किंग कर ले ऐसे, आप चौक से करें मार्किंग। मैं पेन से इसलिए कर रही हूँ, ये वेस्ट कपड़ा है इसलिए। और ऐसे आप बना दें। अब आपको इसके अंदर अंदर चलाना है ऐसे। तो सबसे पहले हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को 1 पे करेंगे, और ये सीधी स्टिच होगी, ये देखिए। और अब हम पैटर्न सेलेक्टर डायल को, ये देखिए, 4 और 2 पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये इस तरह से स्टिच होगी लेफ्ट राइट। कम से कम आपको 5-6 स्टिच लेफ्ट राइट करनी है। अब आपको फिर से पैटर्न सेलेक्टर डायल को चेंज करना पड़ेगा 3 पर। अब इसमें रिवर्स चलेगी। अब हम फिर से पैटर्न सेलेक्टर डायल को करेंगे चेंज 4 और 2 पर। ध्यान रखिए, आप नीडल को ऊपर कर लें। अब आप नीडल को ऊपर निकालें और इसको हटा लें। अब हम इस सिम रिपर से इसको बीच में से काट देंगे। ये देखिए, ये होल बन गया है। अब आप इसमें बटन को डाल करके चेक कर सकते हैं, इस तरह से इसमें ये आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप अलग अलग साइज के बटन के होल बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमने बड़ा बनाया और ये छोटे बनाए। ये देखिए, जैसा आपका बटन की साइज है उस साइज का आप बटन होल बना सकते हैं। मैं ले कि आपकी मशीन पर ये पैटर्न होना चाहिए बटन होल बनाने के। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।